हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये द हिंदू है और बिगिनर्स के लिए आज एक फ्रंट पेज है, क्योंकि बिगिनर्स एडिटोरियल नहीं समझ पाते हैं, तो चलिए कोशिश करते हैं। गाइस, ये लिखा है कि 70 ड्राउन इन गुजरात रिवर एज सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स। हेडलाइन गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है। जैसे यहाँ पर ड्राउन लिखा है तो आप इसको पास्ट समझो, कैसा हो गया। एक स्टाइल होता है न्यूज़पेपर का, ब्रेकिंग न्यूज़ जो हेडलाइन से वो दिखाने का, यानी कि 70 लोग डूब गए इन गुजरात रिवर में, एज जैसा कि या क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स। कोई ब्रिज था, वैसे तो सस्पेंशन का मतलब होता है जो सस्पेंड कर दिया गया हो, यूज़ में ना हो, तो हो सकता है यूज़ में ना हो, दोबारा यूज़ किया गया हो तो कोलैप्स हो गया हो, देखते पढ़ कर। तो कोई जो ब्रिज है वो गिर गया, कोलैप्स का मतलब होता है गिरना, या कोलैप्सेज लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम इसको कोलैप्स्ड समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है कि ओवर 350 पीपल वर ऑन द ब्रिज। ये तो आपका स्टेट ऑफ बीइंग है कि 350 लोगों से ज़्यादा, तो ओवर हम यहाँ भी दिखाते हैं, प्रेपोजिशन देखिए, 350 लोगों से ज़्यादा थे ऑन द ब्रिज, उस पुल पर थे, उस ब्रिज पर थे। अब यहाँ पर है विच रीओपन, अभी विच हमारा क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच से जो सेंटेंस बनेगा दोस्तों वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये विच इस ब्रिज के बारे में बता रहा है कि वो ब्रिज विच रीओपन, जो खुला 4 days ago, 4 दिन पहले वो खुला, आफ्टर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन डन बाई अ प्राइवेट ऑपरेटर। किसके बाद खुला, उसकी रिपेयरिंग हुई थी, रिनोवेशन का मतलब ही सेमिक है, उसका जो भी डेंटिंग पेंटिंग रिनोवेशन सब हुआ, डन बाई किसके द्वारा किया गया, प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा किया गया, ये हो गया। फिर है कि PM CM, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर है, अनाउंस कॉम्पनसेशन, उन्होंने मुआवजा अनाउंस किया, तो अनाउंस लिखा है, यहाँ दो सब्जेक्ट है इसलिए अनाउंस है, अगर एक होता तो अनाउंसेज होता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, हम इसको पास्ट समझेंगे, उन्होंने अनाउंस किया। कॉम्पनसेशन फॉर विक्टिम्स, जो लोग मारे गए हैं, जो विक्टिम्स का मतलब है कि जो पीड़ित हैं, अब जो मर गए तो उनके परिवार वालों को मिलेगा। फिर यहाँ लिखा है कि प्रोब ऑर्डर्ड। अच्छा, कभी भी जब आपको ये इस तरह से दिखाई दे, जैसे प्रोब ऑर्डर्ड, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म नहीं, ये थर्ड फॉर्म है, हम इसको पैसिव समझेंगे दोस्तों, कैसे देख लीजिए एक बार, यहाँ पर लिखा है प्रोब ऑर्डर्ड, तो हम इसको समझेंगे कि प्रोब, इसको प्रेजेंट परफेक्ट मानिए, हैज बीन ऑर्डर्ड। इतना बड़ा है ये सेंटेंस, उसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि अ मैन अरेस्टेड, तो इसका मतलब है कि अ मैन हैज़ बीन अरेस्टेड। आप ये भी समझ सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव भी समझ सकते हो, कि अ मैन वॉज अरेस्टेड। कभी भी अखबार में इस तरीके से आपको दिखाई दे, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट हो और यहाँ थर्ड फॉर्म हो, तो यूँ समझो कि इस सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है। जैसे कि अ मैन अरेस्टेड का मतलब है कि आदमी ने अरेस्ट नहीं किया, आदमी को किसी ने अरेस्ट कर लिया, यानी कि पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। जैसे अगर ऐसा लिखा हो कि अ लेडी स्टैब्ड, स्टैब का मतलब होता है चाकू मारना, यानी कि जो लेडी है इसने किसी को चाकू नहीं मारा, किसी ने लेडी को चाकू मार दिया, हम इसको ऐसे समझेंगे कि लेडी वॉज स्टैब्ड, लेडी को चाकू मार दिया गया, या अ लेडी हैज़ बिन स्टैप्ड। ठीक है गाइस, छोटी छोटी चीजें हैं, ख्याल रखिए। चलो आगे देखते हैं। अब यहां से देखते हैं, ये लिखा है कि एटलीस्ट 70 पीपल वर किल्ड, यानी कि 70 लोग मारे गए। फिर यहां आफ्टर का इस्तेमाल देखिए, आफ्टर अ कॉलोनियल एरा सस्पेंशन ब्रिज। अब ये तो कॉलोनियल एरा का मतलब तो ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों के ज़माने का है, यू नो, सस्पेंशन ब्रिज हो सकता है, इसका नाम सस्पेंशन ब्रिज हो, क्योंकि सस्पेंशन का एक और मतलब होता है कि सस्पेंड कर दिया गया हो, कि अब यूज़ नहीं करना है, हो सकता है इसका नाम हो। एनीवेज, तो बहुत पुराना एक जो ब्रिज है, अक्रॉस द मच्चू रिवर इन मोरबी टाउन ऑफ गुजरात। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है अक्रॉस द रिवर, यानी कि रिवर के, जैसे ये रिवर है और रिवर के इस पार से इस पार पे अगर कोई ब्रिज हो
तो प्रेपोजिशन अक्रॉस लगता है, और अगर आप भी इस पार से उस पार चले गए तो आप बोल सकते हैं आई वेंट अक्रॉस द रिवर, तो प्रेपोजिशन भी सीखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो अक्रॉस द मच्छू रिवर कहाँ पर है ये, इन मोरबी टाउन, कहाँ है मोरबी टाउन, ऑफ गुजरात। तो ये जो इन मोरबी टाउन, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऑफ गुजरात इसको भी कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। करता क्या है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। जैसे आप मच्छू रिवर के बारे में बता रहे हैं, तो रिवर हमारा नाउन है, तो नाउन के बारे में ये बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, बता रहे कि वो रिवर किधर है, मोरबी टाउन में है। टाउन भी हमारा नाउन है, इसके बारे में बता रहा है ऑफ गुजरात, तो टाउन कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। अब है यहाँ पर कोलैप्स्ड, तो ये ब्रिज सब्जेक्ट और इसका कोलैप्स्ड ये इसका वर्ब है, वो गिर गया, ढह गया, कब हुआ, ऑन संडे इवनिंग। देख लीजिए संडे मंडे के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है, इवनिंग के साथ इन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर वो संडे इवनिंग हो, मंडे इवनिंग हो, तो आप खाली ऑन से ही काम चलाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आफ्टर, इसका इस्तेमाल देखिए कि ये लोग न्यूज़पेपर में कैसे यूज़ करते हैं। सीधा लिखा कि 70 पीपल वर किल्ड, और उसके बाद ये आफ्टर लगाया, तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, इसीलिए बिगिनर्स के लिए है, आराम से सीखते हैं ना। आप लोग आफ्टर कैसे यूज़ करते होंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप यूज़ करते हो आफ्टर लगाते हो, वर्ब में लगाते हो आई एन जी, यही है ना आपका स्टाइल। आप कहते हो जी खाने के बाद, तो आफ्टर ईटिंग, ओके, दौड़ने के बाद आफ्टर रनिंग, यही यूज़ करते हो। इसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं आफ्टर, आफ्टर के बाद आप चाहो तो सीधा कोई नाउन या नाउन फ्रेज लगा सकते हो, नाउन हो गया या नाउन फ्रेज हो गया, जैसे कि आफ्टर द लंच, लंच के बाद, आफ्टर ब्रेकअप, ब्रेकअप के बाद, ये नाउन हो गया। लेकिन न्यूज़पेपर वाले जो न्यूज़पेपर स्टाइल है बॉस, न्यूज़पेपर स्टाइल, ये आफ्टर कैसे यूज़ करते हैं, ये आफ्टर के बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ये सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है या पैसिव भी हो सकता है, कैसे देखते हैं। पहले वो एक ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए कि टू पीपल, ऐसे हो कि टू पीपल वर किल्ड, यहाँ पर लिखा गया दो लोग मारे गए। अब वो लोग यहाँ पर आफ्टर लगाएंगे, तो इससे पता चलता है कि दो लोग मारे गए तो ऐसा क्या हो गया, किस चीज़ के बाद ये दो लोग मारे गए, इसलिए लगाते हैं। अब इस आफ्टर के बाद उनको एक सेंटेंस दिखाना है कि दो लोग मारे गए, अब क्या हुआ होगा वो कैसे दिखाएंगे। टू पीपल वर किल्ड आफ्टर अ बस हिट अ कार, बस इतना मैंने लिख दिया, देख रहे हो आफ्टर के बाद ये अ बस हिट अ कार, एक सेंटेंस है कि नहीं है बताइए, है ना सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस। ये स्टाइल है अखबार का, आगे देखें। चलो तो यहाँ पर आफ्टर के बाद देखिए, अ कॉलोनियल एरा सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस, ये कोलैप्स्ड आ गया ना सेंटेंस पूरा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट द ब्रिज। अब ब्रिज देखो, ब्रिज हमारा सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद ये कॉमा लगा है, तो कॉमा पे रुकना है आपको, फिर देखना है कि कॉमा के बाद यहाँ पर विच लगा हुआ है, यानी कि हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसमें अटकेंगे नहीं, हम देखते हैं इसका अगला कॉमा कहाँ पर है, तो इसका अगला कॉमा यहाँ पर है, तो मैं इसको कलर चेंज करके समझाता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, ये विच से लेकर के, ये जो विच से लेकर के है पूरा का पूरा ये और ऑपरेटर तक को भूल जाइए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अभी भी हमारा सब्जेक्ट कौन है भैया, ये ब्रिज है, तो इसका वर्ब ढूंढिए, द ब्रिज वॉज, ये है इसका वर्ब है, द ब्रिज वॉज क्रैम्ड विथ, क्रैम्ड का मतलब होता है भरा हुआ, फुल ऑफ, तो ब्रिज जो था वो भरा हुआ था, क्रैम्ड विथ मोर देन 350 पीपल, 350 लोगों से भी ज़्यादा लोग थे, उनसे वो खचाखच भरा हुआ था, ये समझ गए। अब इसको छोड़ दीजिए, वैन सीधा यहाँ पर आइए कि अब ब्रिज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो ब्रिज विच रीओपन, जो खुला 4 days ago, 4 दिन पहले खुला, अच्छा कब खुला, तो फिर आफ्टर देखिए, आफ्टर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन बाय अ प्राइवेट ऑपरेटर, अच्छा यानी कि प्राइवेट ऑपरेटर के बाद एक उसका रिनोवेशन वगैरह मरम्मत किया गया, बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा। तो समझ में आ गया कि ब्रिज जिसको 4 दिन पहले खोला गया था, रिनोवेशन वगैरह हुआ था, वो ब्रिज वॉज क्रैम्ड भी, तो भरा हुआ था खचाखच 350 लोगों से भी ज़्यादा, ठीक है। अब लिखा है कि वेन इट कोलैप्स, वेन मतलब जब,
जब ये कोलैप्स्ड हो गया, जब ये धराशायी हुआ अराउंड 6:30 PM, जब ये धराशायी हुआ वो 350 लोगों से भरा हुआ था। ऐसा किसने कहा? ऑफिशियल सेड, ऐसा ऑफिशियल्स ने कहा, वहाँ की कर्मचारियों ने ऐसा कहा, हो सकता पुलिस ऑफिशियल्स, ऐसे समझ, ठीक है जी। चलिए आगे देखें। अब है कि द ब्रिज, ओके, हैज नॉट रिपोर्टेडली, देखो बीच में रिपोर्टेडली डाल दिया, आपको कंफ्यूज कर रहा है ये रिपोर्टेडली या आपको एलिजेडली, ये सब बीच में देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। द ब्रिज हैज़ नॉट लिखा है तो ऑफकोर्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ भाग रहा है ये, तो इसका भैया थर्ड फॉर्म देखो, हैज नॉट रिसीव्ड, ए रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ब्रिज ने रिसीव नहीं किया है। क्या रिसीव नहीं किया भाई? द फिटनेस सर्टिफिकेट, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट, ये आपका जो हैज नॉट रिसीव्ड है ये वर्ब है, और ये जो है फिटनेस सर्टिफिकेट ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो सेंटेंस होता है। ब्रिज ने, अच्छा रिपोर्टेडली का मतलब है कथित रूप से, ऐसा कहा गया है कि, अखबार क्यों इतना बड़ा बोलेगा कि भैया मुझे पता है कि रिसीव नहीं हुआ है, वो बीच में बेचारा लगाएगा रिपोर्टेडली, ये बिना लगाए अखबार लिख नहीं सकता है, ये अखबार की मजबूरी है कि भैया बयानित रूप से ऐसा हमें भी रिपोर्ट मिला है कि ब्रिज ने तो फिटनेस सर्टिफिकेट भैया प्राप्त ही नहीं किया। कहाँ से प्राप्त नहीं किया? तो जहाँ से कोई चीज़ सेपरेट हो ना, प्रपोजिशन फ्रॉम लगाई, फ्रॉम सिविक अथॉरिटीज़, ये अथॉरिटीज है जो सर्टिफिकेट देने का काम करती है, तो इस सिविक अथॉरिटीज से सर्टिफिकेट ब्रिज को रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। ड्यू टू द दीपावली वकेशन, ये तो एक छोटा सा जुमला हो गया, ड्यू टू का मतलब है के कारण, की वजह से, दीपावली की छुट्टी की वजह से, एंड बीइंग अ संडे, और संडे होने की वजह से हो गया। अब है कि देयर वॉज अ रश, ये देर का इस्तेमाल है, जैसे देर वॉज अ गर्ल, देर वॉज अ बॉय, वैसे ही देर वॉज अ रश, एक भीड़ थी। रश किन लोगों की थी? ऑफ पीपल ऑन द ब्रिज, कहाँ थी भीड़? ब्रिज पर थी, तो देर वॉज अ रश ऑफ पीपल ऑन द ब्रिज। फिर है कॉमा करके अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, अब इस ब्रिज के बाद यहाँ जो कॉमा करके लिखा हुआ है ना, इसको अपोजिशन कहते हैं दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप आज सीखिए कैसे समझेंगे अपोजिशन। होता क्या है, जैसे मैं बोलूं कि आई वॉज ऑन द ब्रिज, मैं ब्रिज पर था, मैं यहाँ पर एक कॉमा लगाऊं और यहाँ पर लिख दूं कि अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि भैया ये जो ब्रिज है ना, ये बहुत बड़ा टूरिस्ट के अट्रैक्शन का केंद्र है, यानी कि मैं ब्रिज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस रूप में दे सकता हूँ, ये अपोजिशन। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि राम इज प्लेइंग, राम जो है वो खेल रहा है, ठीक है। अब मैं राम के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि राम, तो मैं कॉमा लगाऊंगा, राम, मैं बोलना चाहता हूँ कि अ ग्रेट प्लेयर, अ ग्रेट प्लेयर, फिर एक कॉमा लगाऊंगा, फिर बोलूँगा इज प्लेइंग, अभी भी तो राम ही खेल रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिख दिया, ग्रेट प्लेयर, लेकिन मैंने राम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दी, इसी को कहते हैं अपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूज़पेपर। तो यहाँ समझ गए, अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो ब्रिज है। चलिए, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल एंड मिनिस्टेरियल कलीग्स, ये सब क्या सब्जेक्ट है? देखो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल एक सब्जेक्ट हो गया, एंड लगते दूसरा सब्जेक्ट भी आ जाएगा, मिनिस्टेरियल कलीग्स, कलीग्स मतलब जो साथी है, ये दो सब्जेक्ट है। उसके बाद लिखा है कि रस्ट, रस्ट का मतलब भागना है ना, दौड़ के जाना, रस्ट टू मोरबी, कहाँ गया मोरबी, मोरबी जगह का नाम है ना, रस्ट टू मोरबी, मोरबी पहुंच गए। अच्छा क्यों पहुंचे? टू ओवरसी, ये जो टू है वो दोस्तों ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इस टू के बगल में यहाँ पर आप देख रहे हो ये वर्ब का बेस फॉर्म है, तो ये टू और वर्ब का जो बेस फॉर्म है इसको मिलाकर इन्फिनिटिव होता है, तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? पर्पस। वो लोग मोरबी भागे, क्यों भागे? ओवर सी द रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, बचाव को देखने के लिए। अच्छा सी मतलब देखना, ओवर क्यों लग गया? अगर कोई अथॉरिटी से कोई बंदा उठ करके जाए, किसी अथॉरिटी बॉडी से कोई बंदा उठ करके जाए और वो अगर देखे तो यानी कि वो एक तरीके से सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है मेरा काम सही से हुआ नहीं हुआ, तो सुपरविजन एक वे में चला जाता है, तो ओवर सी वर्ब का इस्तेमाल करते। ये लोग वहां से गए कि भाई रेस्क्यू कैसा चल रहा है देखने के लिए। अब है Several teams of the National Disaster
रिस्पॉन्स फोर्स यानी कि NDRF इसको बोलते हैं, सेवरल मतलब बहुत सारे टीम्स मतलब उनकी अलग अलग टीम थी। अच्छा, एंड पर्सनल ऑफ द नेवी, नेवी के पर्सनल, यहाँ पर्सनल का मतलब है उनके कर्मचारी, नेवी से भी कुछ लोग गए एंड द एयरफोर्स से भी कुछ लोग गए। तो ये सब नाम लिया, यहाँ पर लिखा है सेवरल टीम्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानिए दोस्तों, ये है आपका सेवरल टीम्स, ये आपका है क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो इसका वर्ब तो हमें अब तक मिला नहीं, इसका वर्ब कहाँ पर होगा, ये है have. तो सेवरल टीम्स हैव बीन ऑर्डर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, बहुत सारे टीम को ऑर्डर किया गया है। अच्छा, ऑर्डर टू बी एयरलिफ्टेड, इनको ऑर्डर किया गया कि इनको एयरलिफ्ट किया जाए, टू बी का मतलब पैसिव, इनको एयरलिफ्ट किया जाए कहाँ तक ले जाया जाए, टू द साइट, साइट पे ले जाया जाए, टू हेल्प इन द रेस्क्यू, कि ये लोग हेल्प करें रेस्क्यू में। जैसे जो टू बी एयरलिफ्टेड समझ में नहीं आ रहा है किसी को तो देख लीजिए, और वीडियो को गाइस आप लाइक कर सकते हैं, मैंने सुना है लाइक करने से यूट्यूब अच्छा मेरे वीडियो को प्रमोट करेगी, तो लाइक वाइक करते रहें आप, मैं बार बार कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। एनीवेज चलो, अगर मैं कहता हूँ कि ही हैज़ बीन, ये ऐसा मैं लिख दूँ कि ही हैज़ टू बी थ्रेस्ट, तो इस टू बी के साथ जब थर्ड फॉर्म आता है इसका मतलब है कि इधर वाला जो बंदा है ये पिट जाएगा, इसको पिटना है, यू नो। अगर मैं कहता हूँ कि ही इज गोइंग टू बी किल्ड, तो टू बी का मतलब है कि ये जो बंदा है ये इसके साथ ही हादसा हो जाएगा, ये भाई अब जान से खत्म हो जाएगा, ही इज गोइंग टू बी किल्ड, मरने जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर लिखा है इन लोगों के बारे में कि ये जो लोग हैं जितने भी सेवरल टीम्स हैं टू बी एयरलिफ्टेड, तो इनको एयरलिफ्ट किया जाएगा, उस जगह पे ले जाया जाएगा ताकि मदद कर सके रेस्क्यू में। आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉमा, कॉमा लगा है मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब गायब है, और ये जो हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे जो सेंटेंस बन रहा है ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। हु इज़ इन गुजरात फॉर 3 डेज विजिट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात में है 3 दिन के विजिट के लिए। अभी सब्जेक्ट का वर्ब कहा है, ये है डायरेक्टेड, ये है इसका वर्ब, क्या लिखा है, डायरेक्टेड द गुजरात चीफ मिनिस्टर, डायरेक्टेड का मतलब डायरेक्शन दिया, उनको रास्ता बताया गुजरात की चीफ मिनिस्टर को क्या करने का। तो यह प्रेपोजिशन वो है, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव है, टू मोबिलाइज टीम्स, मोबिलाइज का मतलब होता है उनको बुलाओ, इकट्ठा करो टीम्स को ऑन एन अर्जेंट बेसिस, एकदम अर्जेंट बेसिस पे बुलाओ फॉर रेस्क्यू वर्क, रेस्क्यू बचाव दल के काम के लिए टीम्स को बुलाओ। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एन एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है अपनी तरफ से अगर आप किसी को कुछ पैसा देते हो एक्स ग्रेशिया होते हैं, एक तरीके से मुआवजा कह लो, उन्होंने अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने कि वो 2 लाख रुपए देंगे फ्रॉम द PM's नेशनल रिलीफ फंड, ये PM के नेशनल रिलीफ फंड से देंगे फॉर द नेक्स्ट ऑफ द किन। नेक्स्ट ऑफ द किन का मतलब है कि किन का मतलब होता है जो आपके रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, वो किन होता है, तो नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ ईच ऑफ द डिसीज, डिसीज का मतलब मरा हुआ, तो जो बंदा मरा है उसके नाते रिश्तेदारों को दिया जाएगा। द इंजर्ड विल बी गिवन, अब इंजर्ड जो घायल है विल बी गिवन, ये आपका पैसिव है फ्यूचर इंडेफिनिट का, 50,000 रुपीज, उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। द चीफ, याद देखिए, द चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड एन एक्सग्रेसिया, अब चीफ मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया ऑफ 4 लाख, 4 लाख देंगे फॉर द नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ ईच ऑफ द डिसीज, मरने वाले के रिश्तेदार को मिलेगा, एंड 50,000 फॉर द इंजर्ड, वो 50,000 इंजर्ड को देंगे। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेटअप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, उन्होंने सेटअप किया है अ कमिटी टू प्रोब द इंसिडेंट, एक कमिटी बनाया है क्या करने के लिए, तो टू प्रोब हमारा एक इन्फिनिटिव है, प्रोब मतलब जाँच करना, इंसिडेंट उस घटना की जाँच करने के लिए कमिटी बनाई, बस खत्म। आई होप कि बिगनर्स समझ रहे होंगे, ऐसे हम न्यूज़पेपर को तोड़ते हैं, ब्रेक कर करके सीखते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।